वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो जी जनाब, ये मेरा ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है खाने से। दोपहर को मैं खाना बना रही हूँ। तो दोपहर नहीं थी, यानी कि 10 बजे तक मेरा खाना ही बन गया था। साले मैंने आलू बनाए थे। शान कह रहे थे कि छोबे वाले आलू बना लेना, वो उन्हें बहुत पसंद है। तो इस वजह से काफ़ी दिन हो गए हैं, कहते हैं यानी कि कोई सब्ज़ी वगैरह, सब्ज़ी कुछ हाथ से तो खाते नहीं है। तो जो भी जिस चीज़ का मैं नाम लेती हूँ तो कहते हैं मैंने नहीं खानी। तो फिर मैंने क्या बनाऊँ, तो कहते हैं आलू बना लेना। तो फिर वो मैं बना रही हूँ। तो वो जैसे आम तरीका होता है वैसे ही मैं बनाती हूँ। यूजुअली लोग जैसे बनाते हैं, मैं उसके लिए मसाला बना रही हूँ। तो साथ साथ आप देखते रहिएगा मैं कैसे बनाती हूँ। तो जी जनाब, आज का दिन भी मेरा बहुत थका देने वाला था, बिकॉज़ कि सुबह उठ के मुझे नाश्ता बनाना था। नाश्ता बना के मैंने किया था, सफाई वगैरह की थी, वो ज़्यादा नहीं थी कि क्योंकि एक दिन मैं करती हूँ, एक दिन मैं कम ही करती हूँ, थोड़ी थोड़ी कर लेती हूँ, डीप क्लीनिंग नहीं करती हूँ। तो उसके बाद मैंने फिर सालन बनाना था, मुझे था सालन जल्दी बना के तो मैं फ्री हो जाऊँ इस साइड से किचन वाले काम से। तो फिर मैं बनाऊँ मशीन लगा लूँगी, क्योंकि वॉशिंग मशीन लगानी थी, बहुत ज़्यादा कपड़े इकट्ठे हो गए थे। तो मैंने वो लगाई। तो आपने मेरे ब्लॉग्स में देखा होगा, ज़्यादातर मैं बेड पे बैठ के काम कर रही होती हूँ, चाहे वो सब्ज़ी काटना हो, चाहे वो खाना खाना हो। तो मेरे ज़्यादातर आपको ब्लॉग बेड पे ही नज़र आएंगे, ठीक है ना? क्योंकि मेरा किचन अभी इस काबिल नहीं है कि वहाँ पर बैठ के या खड़े होके ठहर के वहाँ पर काम किया जाए। तो इस वजह से मैं जो भी काम करना होता है अंदर अपने रूम में ले आती हूँ, बेड पे बैठ के इजीली कटिंग वगैरह करके सब्ज़ी की। तो फिर मैं चली जाती हूँ वापस किचन में, वहाँ जाके जो बनाना होता है बना लेती हूँ। तो जी जनाब, मैं बना रही हूँ आलू। जी मैं मसाला बना के मैंने आलू डाल दिए। तो आलू डाल के थोड़ी देर इसकी मैं बुनाई करूँगी। तो उसके बाद इसके अंदर मैं पानी ऐड करूँगी, जितना हमें ग्रेवी चाहिए होगी तो वो ऐड करूँगी। तो फिर साबित मसाला यूजुअली मैं इस्तेमाल करती हूँ। उसके बाद धनिया, सब्ज़ धनिया जो होता है, हरा धनिया और हरी मिर्च, वो यूज़ करती, वो डाल लेती हूँ। तो वो काफ़ी टेस्टी बन जाता है। ये काफ़ी टेस्टी सालन बना था। मेरे हस्बैंड पता क्या करते हैं, कहते हैं प्याज इतना भी साबित नज़र ना आए। तो मैं, मुझे फिर ये इसकी ऐसी बुनाई करनी पड़ती है जैसे उसकी करनी होती है ना, चिकन वगैरह की। उसकी तो इसलिए इतनी बुनाई करनी पड़ती है कि स्मेल वगैरह ना आए। तो इसकी भी मुझे ऐसे करनी पड़ती है, तो काफ़ी मुश्किल हो जाता है इतनी देर बना बना के। तो फिर उसके बाद मैंने मशीन लगा ली जनाब। मैंने मशीन लगाई थी, ये कपड़े बहुत थोड़े दिखाए हैं जो मैंने आपको दिखाए हैं, क्योंकि हमारा घर छोटा है तो इस वजह से मुझे कपड़े फैलाने में मसला हो जाता है। तो जी जनाब, तो फिर बाद में मैंने अपने लिए मैंने शॉवर लेना था। तो ये देखिए मेरी वो जो बेडशीट है उस पर कितने दाग लगे हुए हैं, ये उतरने नहीं है मुझसे। तो ये मैं कवर लेके आई थी, ये अम्मी की तरफ से, मेरे अबू जी लेके आए थे सऊदीया से। ये कवर तो उन लोगों ने नहीं था यूज़ किया बेड पर, यानी कि मैट्रेस का कवर है। तो मैं फिर मुझे याद था कि वहाँ पर पड़ा हुआ, तो मैं, मेरा मैट्रेस ख़राब हो रहा था, तो मैंने कहा कि ले मुझे भेज दें, मैं ना अपने मैट्रेस पे चढ़ा लूँ, आप लोगों ने नहीं यूज़ करना। तो फिर निशान गए थे वहाँ पे, तो मैंने फिर अपनी बहन से कहा कि वो भेज देना। तो वो लेके आई है, तो फिर मैं वो करूँगी, उसे चढ़ाऊँगी आज, जो कि मैं फिर नहीं चढ़ा सकी। शाम का क्लिप आ गया नज़र, क्योंकि निशान आना था तो मैंने कब्र चढ़ाना था उसके ऊपर, मैट्रेस के ऊपर। अकेले में उसे नहीं चढ़ाया जाता, क्योंकि मैट्रेस को खींचना, बाहर निकालना, फिर उस पर कवर चढ़ाना मुश्किल हो जाता है। तो ये है रात का टाइम। तो मैं, हम लोग पहले देख रहे थे ड्रामा, तो जिशान फिर बाद में गेम अपनी खेल रहे थे, तो फिर मैं अकेले देख रही थी। जिशान इस वक्त सब कुछ भूल जाते हैं कि कोई मेरे पास है भी कि नहीं, इतने बिजी होते हैं। ये आपको पता ही होगा, जो आजकल पबजी निकली हुई है ना, उसने जान खाई हुई है सबकी। तो वो मैं देख रहे हैं, तो वो खेल रहे हैं, तो मैं ड्रामा मैंने शुरू किया हुआ है, एक नंद ड्रामा ARY का।
तो इंतहाई तोपा अजीब सा ड्रामा, लेकिन मैं देख रही हूँ आज के, मैंने वो शुरू किया हुआ है तो अच्छा भी है, बुरा तो नहीं है। तो वैसे बड़ा अजीब दिखाया गया तो इस वजह से वो मैं देख रही हूँ। तो और भी मैंने काफ़ी सारे ड्रामा शुरू किए हुए हैं। तो उसके बाद काफ़ी, यानी रात को काफ़ी टाइम होता है, रात को अगर जल्दी बंदा खाना वगैरह खा ले तो बाद में काफ़ी टाइम हो जाता है। जैसे शाम आ जाए तो कभी हम लोग बाहर निकल जाएंगे या गर्मी ऐसे कहाँ टाइम स्पेंड कर लेते हैं। तो उसके बाद ये है मॉर्निंग का टाइम। तो फिर मैंने जैसे शाम को जाने से पहले कहा कि मुझे ये बेडशीट हुए और कवर वगैरह मेरे साथ हेल्प करें प्लीज़, तो मैं चढ़ा लूँ थोड़ा। कवर चढ़ाना मुश्किल था, बेडशीट तो बंदा फैला ही लेता है। तो ये मैंने बेडशीट चेंज की काफ़ी दिनों बाद आज, वो काफ़ी गंदी हो गई थी तो वो मुझसे साफ़ भी नहीं होनी थी, मुझे पता है। तो एक और मसला मेरे साथ हो गया जी जनाब, मैंने रूम पूरा ये देखे आपको नज़र आ रहा है साफ़ सुथरा किया था उसके बाद मैंने ड्रॉ खोले, तो जो मैंने आपको पहले बताया था ना मेरे शोकेस वगैरह में सेजल टाइप चीज़ को लग गई है ग्रीन ग्रीन, वो मेरे पूरे फर्नीचर पे लग गई है। ये देखें ये सारा मैंने फिर खोल के ड्रॉर्स वगैरह सारे रख दिए। तो प्लीज़ मुझे बताएं मैं इसके साथ क्या करूं। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक कीजिए। तो मुझे बताइएगा कि मैं इसके साथ क्यों क्या करूं जो ये ठीक हो जाए, पता नहीं क्या वजह है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफ।